आपको बताते हैं, आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्यौरा रखा है देश के सामने, देश को बताया कितना काला धन सामने आया है। और यहां एबीपी न्यूज के स्टूडियो में इन जीरो पर जरा एक बार फिर से नजर डालिए, इसको देखकर आप अंदाजा लगा पाए होंगे कितना धन देश के भीतर से सामने आ गया है, निकलकर बाहर आ गया है। क्या कहा वित्त मंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। अभी तक जो अमाउंट डिस्क्लोज किया है इन डिक्लेरेशंस में, इंडिविजुअल डिक्लेरेशंस की हम लोग सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, किसने कितना अमाउंट डिस्क्लोज किया है उसकी भी सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, लेकिन कलेक्टिवली कितना अमाउंट डिस्क्लोज किया है इन 64,275 डिक्लेरेंट्स ने, अभी तक जो काउंट हुआ है वो फिगर है ₹65,250 करोड़। तो 65,000 करोड़ रुपए का ये काला धन जो सामने आया है, इसमें टैक्स काटकर देश के खजाने में 30,000 करोड़ रुपए आएंगे। देश में किस शहर से फिलहाल कितना ब्लैक मनी सामने आया है, आइए जरा ये भी आपको दिखाते हैं किस शहर से देश के कितना ब्लैक मनी सामने आ रहा है। अब तक जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक देश के दक्षिणी हिस्से से, मतलब हैदराबाद से सबसे ज्यादा कालाधन बाहर आ रहा है। आइए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं किस तरीके से देश के किस हिस्से से कितना जो कालाधन है वो बाहर निकल कर आ रहा है। हैदराबाद से सबसे ज्यादा 13,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी सार्वजनिक की गई है। दूसरे नंबर पर मुंबई है जहां से 8,500 करोड़ रुपए का कालाधन सरकार को मिला है, लोगों ने जिसका ब्यौरा रखा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली में रहने वालों की तरफ से 6,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी डिक्लेयर की गई है। तो कोलकाता से 4,000 करोड़ का काला धन सामने आया है, मतलब कोलकाता चौथे नंबर पर। ये है हालात, ये काला धन जो देश के भीतर से बाहर निकला है। आगे आपको दिखाएंगे काला धन लाने का देश में इतिहास अब तक क्या रहा है, लेकिन पहले बताते हैं आपको कि 65,000 करोड़ की ब्लैक मनी सामने लाने के लिए वित्त मंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे बधाई दी। बाकायदा ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनकी टीम को बधाई, उनकी मेहनत का नतीजा है कालेधन की घोषणा स्कीम की सफलता। राजस्व सचिव हंसमुख अधिया, सीबीडीटी चेयरमैन रानी नायर और उनकी टीम भी शुभकामनाओं के पात्र हैं, जिन्होंने कालेधन की घोषणा स्कीम की सफलता के लिए भरपूर काम किया। यह अर्थव्यवस्था की मजबूती और पारदर्शिता की ओर एक बड़ा कदम है। तो जनता खुद ही अपना काला धन सरकार के सामने आकर बता दे, इसका इतिहास आपको हम बताते हैं। इसके इतिहास में अगर जाएंगे तो 1951 में पहली बार सरकार इस तरीके की कोई स्कीम लेकर आई थी। ये देख रहे हैं आप, 1951 में पहली बार कोई सरकार इस तरीके की कोई स्कीम लेकर आई थी। तब 70 करोड़ का काला धन सामने आया और सिर्फ 10 करोड़ का टैक्स सरकार को मिला था। उसके बाद 1965 में काला धन बाहर लाने के लिए 3 स्कीम्स बनाई गई। 1951 के बाद 1965 में 49 करोड़ का टैक्स सरकार के खजाने में आया। 1975 में 275 करोड़ मिले सरकार को। उसके बाद 1997 में देवगौड़ा की तब सरकार थी, वीडीआई स्कीम निकाली गई, 30,000 करोड़ का काला धन सामने आया। और फिर 2015 में 3,770 करोड़ सामने आ पाए थे। तो ये इतिहास अब तक जो आपने देखा। तो 65,000 करोड़ का ये काला धन जो वापस सामने निकल कर आया है देश के भीतर से।